अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट, क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स पेपर पैटर्न 2022, हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर 2021-22। जैसे कि आप तमाम बच्चों को मालूम है कि टोटल चैप्टर्स आपके 1-13 हैं, और इस साल आपका जो पैटर्न है वो इस तरह से है कि MCQs हैं जो कि 20 मार्क्स की हैं। इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपने 10 करने होते हैं जो कि 50 मार्क्स के हैं, यानी कि ईच क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का है। इसी तरह अगर बात करें डिटेल क्वेश्चंस आंसर की, तो इसमें आपको 2 क्वेश्चंस करने होते हैं जो कि 30 मार्क्स के हैं, यानी कि इस लिहाज से दोनों क्वेश्चन 50+15 मार्क्स के हुए। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपको हमने स्टार्टिंग में दी है। अब बात सबसे पहले हम कर लेते हैं MCQs के ऊपर कि MCQs आपके टोटल 13 चैप्टर्स हैं, जिसमें से फर्स्ट चैप्टर से MCQs या तो नहीं आएगी या फिर एक आने के चांसेस हैं। इसी तरह बात करें तो चैप्टर नंबर 2-3 से 2 से लेके 3 MCQs काफ़ी ज़्यादा हैं, दोनों चैप्टर इम्पोर्टेंट है MCQs के लिहाज से। चैप्टर 4 में 1 या 2 MCQs, इसी तरह 5 से अक्सर औकात नहीं आती या एक आने के चांसेस होते हैं, और 6 से भी 1 या 2 MCQs के चांसेस होते हैं। 7 से भी या तो नहीं दी जाती या फिर 1 MCQs आने के चांसेस होते हैं। इसी तरह चैप्टर नंबर 8, 9 और 10 की बात करें तो इसमें से 1 या 2 MCQs के काफ़ी चांसेस होते हैं, और चैप्टर 11 से आपके सिर्फ़ और सिर्फ 1 चांस बनता है MCQs का। 12 और 13 चैप्टर की बात करें तो दोनों से 1 या 2 MCQs आ सकती हैं। अब बात करते हैं चैप्टर्स एंड मार्क्स का आपस में क्या ताल्लुक है। तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपके 50 मार्क्स के होते हैं, जैसे कि हमने बताया इसे सेक्शन बी कहा जाता है। इसमें आपके 3 क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4। इसके बारे में तफसील ये है कि क्वेश्चन नंबर 2 में चैप्टर 1, 2, 3, 4 शामिल होते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 में आपके 5, 6, 7, 8 जो कि थोड़े से मुश्किल होते हैं, और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में चैप्टर 9-13 यानी कि ये ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन कहलाता है, और इसके अंदर आपको टोटल 10 क्वेश्चन करने होते हैं 15 में से, और 5-5 आपको ईच क्वेश्चन में पार्ट्स दिए जाते हैं जिसमें से 3-3 करने होते हैं, और एक क्वेश्चन आपको कोई भी ऐड करना होता है। इस तरह से टोटल 10 हो जाते हैं। अब डिटेल क्वेश्चन आंसर आपके 30 मार्क्स के हैं, सेक्शन सी कहलाता है। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंपलसरी होता है, जिसमें ए पार्ट आपका चैप्टर 6 है और बी पार्ट आपका चैप्टर नंबर ट्रिग्नोमेट्री से साइन लॉ, कोसाइन लॉ और टेंजेंट लॉ आते हैं, और बिल्कुल इसी तरह से आपका जो बकिया 2 क्वेश्चंस हैं उसमें आपके जो चैप्टर शामिल हैं वो आपको हम बता रहे हैं, जिसमें से आपको मज़ीद एक क्वेश्चन और करना होता है। अब बात करें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने है कि चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 तकरीबन इसमें हर चैप्टर से ही या तो 1 या फिर 2 क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। इसी तरह अगर हम डिटेल क्वेश्चन आंसर की बात करें तो हम ये फाइनली कह सकते हैं कि चैप्टर 1-2 से और 5 से और 7 और इसी तरह से 9 और 11 कभी भी लॉन्ग में ये यानी कि डिटेल क्वेश्चन आंसर में नहीं दिया गया, जबकि चैप्टर नंबर 6 आपका कंपलसरी है। इसके अलावा लॉज है जो आपका ए पार्ट और बी पार्ट करके क्वेश्चन नंबर 5 दिया जाता है, और उसके अलावा आपके कोई भी 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसमें से आपको एक क्वेश्चन करना होता है। उम्मीद है कि आप अच्छा खासा अपने पैटर्न को समझ चुके होंगे। इस सिलसिले में कोई भी अगर आपको इशू हो तो हमें कमेंट्स करें। तो सर शाहिद को इजाज़त दीजिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।